मैंने खून की नदियां बहाई। यार पंचायत सीजन 3 ना ऑसम। यहाँ पे चल रही है इन लोगों की चाय, मस्त चाय। कैसा है चाय? तो हमने अभी लास्ट स्टॉप पे पी है एक, मतलब आप अगर यहाँ पे आओ और अगर आपको सोते हुए नींद आ रही है उस चाय को अगर आप पी लो, 4 दिन तक नींद नहीं आएगी 2 चुस्की में, मतलब वाही। के पाँच, गुड मॉर्निंग। और ये देखो आते ही पेड़ का करेला और मामी के हाथ में चिचिंगा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आज हम लोग काफी दिनों बाद जा रहे हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पे। एंड हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं रुद्रपुर। सो हम लोग जा रहे हैं आज पहली टू रुद्रपुर। एंड अभी बज रहे हैं रात के 2:15। सो अभी हम लोग निकले हैं क्योंकि अभी राज का ऑफिस चल रहा था, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद अब जाके हम लोग निकले हैं। एंड आई नो आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, बहुत लोगों ने बहुत जगहों का डिमांड किया है, लेकिन जाएंगे धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। बट यस आज आई होप आप लोगों को ये जो ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं मजा आएगा। एंड हम लोग रुद्रपुर में कहाँ जा रहे हैं? मेरी मामी का जो मायका है वो है रुद्रपुर में। सो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मैं पर्सनली भी वहाँ पे काफी साल बाद गई थी। मैं लास्ट मुझे याद है मैं गई थी क्लास 10th में, एंड उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। एंड मैं अभिलाष एंड पीछे मम्मी बैठी हुई है। सो हम सब जा रहे हैं एंड मामा लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मामा लोग बाय ट्रेन गए हैं। बट एनीवेज आई होप आप लोगों को इस ट्रिप में मजा आएगा। एंड यस स्टे ट्यून्ड। टोटल है 238 किलोमीटर। सो बेसिकली रुद्रपुर तो इससे पहले 242, अच्छा यहाँ पे 238 लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। अच्छा हम लोग 4 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं। सो मुझे लगता है मॉर्निंग में बाई 6 or 7 हम लोग पहुँच जाएंगे। एंड हम लोग ये कौन से उस पर जा रहे हैं अभी? नेशनल हाईवे टेन पे हम लोग जा रहे हैं अभी। सो यस रुकते रुकाते मजे करते करते जाएंगे। हम लोग निकले हैं तब से इस जगह पे हम लोग अब तक जाके ट्रैफिक मिला है, अदरवाइज पूरी रोड जो है वो बिल्कुल खाली मिली है। NH4 कुछ भी। काफी दिन बाद रोड ट्रिप पे निकल के ना मजा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। हम लोग लास्ट चक्राता वाले ट्रिप पे गए थे जनवरी में, जनवरी के एंड में गए थे। उसके बाद हम लोग आज जा रहे कहीं पे। एंड बरेली यहाँ से है 217 किलोमीटर, नैनीताल है 241, एंड आई थिंक ये कौन सा है रुद्रपुर है क्या? और ये देखिए मदगरी की इतनी बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे। बट हम लोग अभी रुके हैं शिवम ढाबा पे। चलो अभिलाष शिवा शिवा अच्छा सॉरी शिवा ढाबा पे शिवा चलो अब जाके इसको चाहिए थोड़ा चाय है ना। चलो यहाँ पे चल रही है इन लोगों की चाय, मस्त चाय। कैसा हो चाय? चल गए हैं चाय वाय पी के। मैंने तो चाय पिया ही नहीं, इन लोगों ने पिया है। और अभी और कितने किलोमीटर का रास्ता बाकी है हम लोगों का? ये है अभी 3 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है टोटल।
बज गए हैं दूसरे टोल पे। ये है ब्रिज घाट टोल और ये आ गए हम लोग अपने तीसरे टोल पे, चौथा नंबर। आगे हम लोग चौथे टोल पे एंड अब रास्ता बाकी है सिर्फ 73 किलोमीटर्स एंड 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहे हैं अभी और, बट बीच में हम लोग एक जगह रुकेंगे बस एक कप चाय पीने के लिए, बस एक कप उसमें चाय पीने हमें लगेंगे कुल 5 मिनट और उसके बाद हम फिर से चल पड़ेंगे। और देखो रात में निकले हैं, इतनी मस्त ड्राइव, नो भीड़ भाड़, ये बस हल्का सा टोल वोल के यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, बाकी तो मजेदार ड्राइव चल रही है एकदम। गाड़ी की माइलेज आई है 22, बेहतरीन माइलेज दी है गाड़ी ने। बहुत खाली रोड है, अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी मेरे जो साथ में जा रहे हैं दोनों, ये बहुत बोरिंग है, बहुत ज्यादा। अगर थोड़े से इंटरेस्टिंग लोग लेकर घर, ये ट्राई कलर में पूरा लाइट्स लगा रखा है इन्होंने ना, बहुत मस्त लग रहा है। धीरे धीरे सुबह होने लग गई है, वेदर भी यहाँ पे ठीक ठाक है, 28 डिग्री अभी दिखा रहा है बाहर का टेम्परेचर। हाँ। ये रामपुर है, रामपुर विकास, हाँ रामपुर है, पीछे एक बोर्ड भी तो था रामपुर का, जहाँ मैंने भरा था 6.2 मैंने क्या भरा था, 6 किलोमीटर। हाँ ओ बैल बैल गाड़ी पे बचे हुए 59 किलोमीटर्स एंड हम लोगों को चाहिए एक चाय ब्रेक एंड मेरे को थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, सो देख लूंगी अगर चाय के साथ साथ ब्रेड मिल जाएगा तो मैं अब पी सकती हूँ मैं चाय, क्योंकि मैं खाली पेट चाय नहीं पी सकती। तो चलो हम थोड़ा सा चाय पीते हैं एंड देन आगे का सफर तय करेंगे। यहाँ पे हम पियेंगे चाय, 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 चाय। यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय। लास्ट स्टॉप पे पी है एक, मतलब आप अगर यहाँ पे आओ और अगर आपको सोते हुए नींद आ रही है उस चाय को अगर आप पी लो, 4 दिन तक नींद नहीं आएगी 2 चुस्की में, मतलब वाहियात एकदम चाय। नहीं आई थी वाहियात, पता नहीं इतनी गंदी चाय बना कैसे लेते हैं। और मैं वैसे कभी चाय नहीं पीती लेकिन मुझे नहीं पता इतनी वाहियात चाय होगी, तभी मैंने पी जब चाय बेकार थी। अच्छी जब चाय इन लोगों ने पहले पी थी पहले स्टॉपेज में, तब मैंने नहीं पी चाय, है ना? इसकी तो डेस्टिनी खराब है। पी तो पी ऐसी चाय पी तो बहुत भाई है घोड़े को गए। ओ मैं निकला कटी लेके, ओ वाह, इसी रोड पे लोग इतने समझदार कैसे हो सकते हैं? इसी रोड पे चारों तरफ से ट्रैफिक। Oh,
हरियाली है, चारों तरफ खेत। हमें यहाँ से लेना है राइट। कितना मस्त लग रहा है ना, हरियाली हरियाली है, चारों तरफ जिधर देखो उधर ही खेती, जिधर ही देखो उधर खेती और हरियाली, पेड़ पौधे। एंड अभी हमें पहुंचने में है आधा घंटा मान के चलो, अब 28 मिनट्स दिखा रहा है, 19 किलोमीटर्स और है। बट पूरा रास्ता बहुत स्मूथ आया है हम लोग, बस एक आध बीच में थोड़ा बहुत पैच मिला है ट्रैफिक का, बाकी बहुत सही है ना। बस हम लोग पहुंच गए हैं और 10 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे। एंड 10 ओ अभी चले गए थे एक बार, एवं चले गए थे और 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे मामी के मायके। चावल के खेत, ये सारे चावल के खेत है जहाँ तक मुझे पता है, धान है सब। इतना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, एंड बीच में एक रोड जा रही है। एंड रोड की कंडीशन सही है, खराब नहीं है, मतलब जैसे ही मैंने बोला वही पे थोड़ा सा खराब, इतना सा तो होता ही है सचिव जी। ये वो डायलॉग बोल रहे हैं, पहले खून की नदियां बहाई और उसमें यार पंचायत सीजन 3 ना, ऑसम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मजेदार सीरीज। मुझे पंचायत में मतलब अभिषेक त्रिपाठी कैरेक्टर, प्रधान जी, उन सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर अगर लगा है ना वो है भूषण। अगर भूषण ना हो ना, वन राकस भाई, उसने ही पंचायत में एक्चुअल जान डाली है। बहुत अच्छा एक्टर है, मतलब जबरदस्त नेक्स्ट लेवल एक्टिंग। और हम भी आज गांव जाके सचिव जी को ही ढूंढेंगे। और भूषण के साथ साथ विनोद, देखना लेफ्ट, ओह सॉरी विनोद, पालतू कुकुर। मस्त लग रहा है यार, खेत खलियान, शहर में कहाँ मिलता है ये सब देखने को। पहुंच गए। गुड मॉर्निंग, तालाब है और इसके अंदर मछलियां भी है जिसको हम पकड़ के खा भी सकते हैं, मछली से भरा हुआ है। और ये कद्दू के पेड़ है, सीताफल, सीताफल के पेड़, यार क्या सही है, सीताफल का पेड़ है ना, बेल है, हाँ बेल, और बोला घुसते बच्चे ना, केले के पेड़। मैं उसमें एक बोट छोड़ दूं, ठीक है, पाटर रास्ता। अभी सब लोग सो रहे हैं इसलिए मैं अभी सबको नहीं दिखा रही, थोड़ा सब लोग उठ जाए उसके बाद सबको मैं दिखाऊंगी आपको। ये रहा शुभम, नींद से उठ गया। अब हम लोग जा रहे हैं तालाब देखकर, एक उत्तर से बड़ा सही लगता है, पता है ये सब चीज है मामी, बड़ा कुमड़ो फूल बड़ा साग पत्ते सब देखना स्टार्ट। और ये देखो आते ही पेड़ का करेला और मामी के हाथ में चिचिंगा, चिचिंगा ही बोलते हैं ना इसको, सीताफल के फूल देखा कितने बढ़िया। और ये देखो सीताफल के फूल, पेड़ की भिंडी, मजा आ गया यार।
আমার একটাই হাত মামি দুটো হাত না एक टोकरी लाओ बहुत सारी सब्जी आज के लिए सॉर्टेड आज इसी से बन जाएगा सब मिक्स वेज यहाँ पे कद्दू के फूल उठाए जा रहे हैं ताकि इसके हम पकौड़े खा पाए बहुत टेस्टी पकौड़े बनते हैं एंड सुबह मुझे लग रहा है हम लोग खेत घूमने नहीं खेत से सारा सामान लूटने आए हैं तुम कल ऑफिस को रेस्ट लिया खेत खलियान अब चलो घर की तरफ चलते हैं पीछे सब लोग आ रहे लग चुका है नाश्ता गर्मा गर्म पूरी आलू की सब्जी एंड साथ में प्याज और यहाँ पे थोड़ा ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे लोगों को बैकग्राउंड आवाज आ रहा होगा बट यस ये मजेदार सा खाना हम लोग अभी नाश्ता करेंगे एंड बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट पूरी आलू की सब्जी सुबह जो हम लोगों ने कद्दू के फूल उठाए थे ना मामी और मम्मी ने ये देखो उसके पकौड़े भी बन गए नहीं ये तो मछली है क्या है ये नहीं कद्दू के फूल के पकौड़े ये उठा के दिखाना एक बार कद्दू के फूल के पकौड़े मुझे एक बार लगा फिश फ्राई एंड यहाँ सब 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 खाना स्टार्ट एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बहुत सारे गप्पे वप्पे मार रहे थे इसलिए मैंने बीच में शूट नहीं किया थोड़ा बहुत सो भी लिया एंड अब नहा धो के अब लंच टाइम हो रहा है यहाँ पे टाइम कैसे बीत रहा है पता भी नहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया है लेकिन अभी सिर्फ 1 बजे है और खाना रेडी है सच में बहुत टेस्टी है कैसा बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम का पता नहीं चल रहा ना की बोल रहे तुम मजा आ रहा है ना बहुत मुझे पर्सनली बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे ये गांव थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है बोल यहाँ पे सब गोल से लंच करने बैठ गए हैं दामाद की खातिरदारी यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रही कुछ ना कुछ कासे के थाले पे खाना यहाँ पे लग गया है खाना अब खाया जाए तो गाइस लंच वंच करके हम लोग मस्त सो गए थे सबके सब क्योंकि कल पूरी रात हम लोगों ने सोया नहीं था रात को जो भी ट्रैवल कर रहे थे बट ये सभी शाम हो गई है थोड़ा उठ के अब सोच रही हूँ थोड़ा सा जो गांव है वो थोड़ा सा घूमूं एंड बस कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी एंड बाकी सब लोग घर पे जो है वो लोग हाट गए हुए हैं बाजार लगती है यहाँ पे सैटरडे मार्केट उधर गए हुए हैं लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं सो रही थी और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ हम लोग अभी वॉक पे निकले हैं गांव में ये चावल का खेत है ना ये सारे जो आपको दूर दूर तक दिख रहे हैं ये चावल के खेत है एंड तुम्हारा खेत कौन सा है अच्छा आगे जाके मेरे को पर्सनली बहुत मजा आता है गांव में पता नहीं क्यों
वो एक दो दिन के लिए मजा आएगा। हाँ, एक दो दिन नहीं, ये बात सच है। हम लोग शहर में ऐसा हो जाता है ना कि एक ही घर में बंद बहुत बोना भी लाइफ हो गई है, वहाँ पे कुछ देखने को है ही नहीं। और यहाँ पे आके ऐसा लगता है वाह, एक दूसरे का चेहरा ही देख सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा और टीवी और फोन, बस हमारी लाइफ इतने में ही सीमित है। और यहाँ पे आके खेत खलियान आराम से देखो, मजे करो, ऐसा आंखों में भी सूदिंग लगता है, आंखों को भी सूदिंग लगता है बहुत ज्यादा ये सब देख के। देखो दिल्ली में कभी दिखेगा ऐसा? इतना साफ नहीं दिखता है करवा चौथ वाले दिन जब हम लोग ध्यान से चांद को देखते हैं तब। फास्ट रखते हो करवा चौथ? ये जब देख रहे हो सारा खेत यहाँ से लेके पूरा वहां तक जो लाइट जल रही है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारा इनका खेत है। अभी तो थोड़ा रात हो रहा है, कल सुबह आराम से आप लोगों को दिखाऊंगी अगर हम लोग वॉक पे आए तो। पूरा देख रहे हो खेत ही खेत, खेत ही खेत। यहाँ पे बोते कब है मुझे वो देखने में मजा आता है। हम लोगों से लगता है शहर से आके कि हमने क्या देख लिया सच में। वहाँ पे तो थोड़ा बहुत पेड़ पौधा देख ले। मैं तो सोचती हूँ शहर में शादी होगी तो क्या हाल होगा मेरा। सही तो है मायका यहाँ पे नहीं, मतलब वैसे आदत। अब यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं लूडो। ऊपर उठे बस।